Hello students, welcome back in HOT 221 Production Technology for Fruits and Plantation Crops, Lecture 20, Custard Apple. In this lecture, I will cover important points, soil, climate, important varieties, propagation, planting, manure and fertilizer, irrigation, training and pruning, harvesting, insect pest and disease. Let's start this topic. Custard apple, इसे हिंदी में अपने सीताफल कहते हैं, ठीक है? और इसी के कई और भी species हैं, जिसमें राम फल है और हनुमान फल है, ठीक है? कई और भी species हैं, वो आगे अपने discuss करेंगे, उनकी आपको picture भी दिखाऊंगा कि कुछ species ऐसी होती है देखने में. और वैसे याद रखना, custard apple एक कोई ज़्यादा cultivated area नहीं है इसका, बहुत ही कम एरिया में है और ज़्यादा इस पर रिसर्च भी नहीं हो रखा, इसलिए इसके जो आपको कल्टीवेशन देखने को मिलेगी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट मिलेगी, क्योंकि इसको ज़्यादातर लोग कल्टीवेट नहीं करते. थोड़ा बहुत एरिया है जो आंध्र प्रदेश के है, जहाँ फिर जंगलों के अंदर जो नेचुरली ये उगता है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं. बोटनिकल नेम एनोना स्क्योमोसा, जो इसका बोटनिकल नेम है, वानस्पतिक नेम है, वो एनोना स्क्योमोसा है, ठीक है? फैमिली इसकी अनोनेसी, अनोनेसी फैमिली का है, कुल का है ये. क्रोमोसोम नंबर 2 और 14 होते हैं, जो इसके क्रोमोसोम नंबर है, गुणसूत्र संख्या, वो जो इसकी डिप्लोइड होती है वो 14 होती है, ठीक है? इसमें से एक और चीज़ याद रखना कि इसमें से ज़्यादातर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब भी परीक्षा में इसका अपने एग्जाम के अंदर ये कभी कल्टिवेशन या कुछ भी इसका टॉपिक से पूछा जाएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटे क्वेश्चन होंगे, जैसे बोटनिकल नेम पूछ लिया, जहाँ इसके लिए रूट स्टॉक कौन सा यूज किया जाता है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है? ज़्यादा बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता. ओरिजन है इसका ट्रॉपिकल अमेरिका, जो इसकी उत्पत्ति स्थल है वो ट्रॉपिकल अमेरिका है. फ्रूट टाइप इटेरियो बेरीज, मतलब एक एग्रीगेट फ्रूट का एक टाइप इटेरियो बेरीज होता है, ठीक है? एडिबल पार्ट इसका पेरिकार्प होता है, जो इसका खाने वाला भाग होता है वो अपने इसका पेरिकार्प खाते हैं, ठीक है? फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट, रामफल, ठीक है? ये कुछ स्पीसीज है इसकी, रामफल ब्लॉक हर्ट भी बोल देते हैं उसको. एनोना रेटिकुलाटा, कॉमनली रूट स्टॉक, जो कॉमनली यूज किया जाने वाला इसके लिए रूट स्टॉक है, जब बडिंग करते हैं या फिर इनार्चिंग करते हैं तो रामफल को ज़्यादातर यूज किया जाता है सीताफल के लिए, ठीक है? लक्ष्मण फल एटेमोया, एनोना एटेमोया, ये क्रॉस होता है एनोना स्क्योमोसा और एनोना चेरीमोला का. लक्ष्मण फल जो एटेमोया भी बोल देते हैं इसे, और एनोना एटेमोया इसका वानस्पतिक नाम है, ठीक है? और ये दोनों का क्रॉस होता है स्क्योमोसा और चेरीमोला का, लक्ष्मण फल, ठीक है? और हनुमान फल चेरीमोया होता है, ठीक है? हनुमान फल को चेरीमोया बोलते हैं और एनोना चेरीमोला इसका वानस्पतिक नाम है, बोटनिकल नेम है. इसके अलावा सौर सैप, लार्ज एनोना, मतलब थोड़ा साइज में ये बड़ा आता है, दूसरी जो भी स्पीसीज है इससे ज़्यादा बड़ा फल होता है सौर शैप, इसको लार्ज एनोना बोल देते हैं. एनोना मुरिकाटा, ठीक है? एनोना मुरिकाटा. पॉन्ड एप्पल है एनोना ग्लेबरा, ये इनके सबकी पिक्चर आगे वाली स्लाइड में है, ठीक है? एनोना ग्लेबरा. चेरीमोया इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट फ्रूट ऑफ एनोनेसी फैमिली, जबकि जो चेरीमोया है यानी कि हनुमान फल, वो सबसे बेस्ट फल होता है, अच्छा फल होता है जो एनोनेसी फैमिली के अंदर है, ठीक है? एनोनेसी फैमिली का सबसे अच्छा फल चेरीमोया होता है, जबकि अपने खाते ज़्यादातर एनोना स्क्योमोसा है, सीताफल उसकी कल्टीवेशन करते हैं. चेरीमोया प्रेफर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो चेरीमोया है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट को प्रेफर करता है, उपोषण कटिबंधीय है, ठीक है? उसके बाद ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, जैसे सीताफल कुछ देखने में ऐसा होता है, पहली पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले फर्स्ट पे कस्टर्ड एप्पल है, ठीक है? जिसको सीताफल बोलते हैं. दूसरे नंबर पे रामफल, ब्लॉक हर्ट्स, कुछ देखने में ऐसा होता है. और लक्ष्मण फल एटेमोया, कुछ देखने में पिक्चर उसकी देख लो आप, ऐसा होता है. और फिर लास्ट नीचे जो है तीन पिक्चर, उसमें पहला है हनुमान फल चेरीमोया, फिर है सौर सैप लार्ज एनोना, इसके अलावा फिर पॉन्ड एप्पल अनोना ग्लेबरा, यह थोड़ा सा दिखने में एप्पल जैसा होता है, सेब जैसा, इसलिए इसका नाम भी
पाउंड एप्पल रखा हुआ है, ठीक है, अनोना ग्लेबरा। कस्टर्ड एप्पल कंटेंट 20% शुगर, जो कस्टर्ड एप्पल होता है जहाँ सीताफल होता है उसमें 20% शुगर पाया जाता है। ब्लॉक हर्ट इज मोर कॉमन फाउंड इन साउथ इंडिया देन इन नॉर्थ इंडिया। ब्लॉक हर्ट है वो साउथ इंडिया में ज्यादातर पाया जाता है नॉर्थ इंडिया की तुलना में, दक्षिणी भारत में मिलता है ज्यादातर उत्तरी भारत की तुलना में। बियर्स ऑन एक्सिलरी ऑन ओल्ड सीजन ग्रोथ, और ये जो इसकी जो फ्लोवरिंग होती है या फ्रूटिंग होती है वो पुरानी जो पिछले साल की शाखाएं होती हैं जब वृद्धि होती है उसके ऊपर एक्सिलरी होती है, जो पत्ती की धुरी होती है जहाँ लीफ का एक्सिल होता है उसके पास में होता है, जैसे पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। ये शीर्ष पे ना होकर टर्मिनली ना होकर, टर्मिनल मतलब जहाँ पे टहनी का एंड होता है, अंत होता है, ऊपर शीर्ष होता है वहाँ पे ना होकर उसके जो पत्ती लगी हुई होती है, पत्ती के साथ में जो कली रहती है वहाँ से इसकी फ्रूटिंग होती है, ठीक है, इसलिए इसको एक्सिलरी याद रखना। कई बार टर्मिनल और एक्सिलरी आपको प्लांट देखा हुआ होता है और क्वेश्चन ऐसा ही आ जाता है कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो याद रखना एक्सिलरी से मतलब होता है पत्ती की धुरी के अंदर, पत्ती के साथ में या किसी शाखा के साथ में निकलना, और टर्मिनली मतलब बिल्कुल शीर्ष पे निकलना उस चीज़ का, ठीक है। मैक्सिमम प्रोडक्शन एपी का है जो इसका ज़्यादातर क्षेत्रफल कह लो, जहाँ सॉरी ज़्यादातर जो इसका उत्पादन है वो आंध्र प्रदेश का है, और क्षेत्रफल भी आंध्र प्रदेश का ही है क्योंकि वैसे इसको ज़्यादातर कल्टीवेट नहीं किया जाता, आपको मार्केट में बहुत ही कम देखने को मिलेगा सीताफल, ठीक है। फिर है वैरायटीज, इसकी पहली वैरायटी है बालानगर, फिर है बारबाडोस सीडलिंग, फिर है ब्रिटिश गुनिया, फिर है काकरला पहाड़, महबूब नगर, वाशिंगटन, ठीक है, ये इसकी किस्में हैं। इसके अलावा कुछ हाइब्रिड किस्में भी हैं इसकी। अर्का शान, ये है लेस नंबर ऑफ सीड्स, मतलब इसमें जो बीज होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं, जो 10 पर 100 ग्राम वेट के हिसाब से होते हैं, मतलब 10 बीज 100 किलो के अंदर आपको 10 बीज मिलेंगे इसके अंदर। हाई ब्रिक्स 31 डिग्री ब्रिक्स के आसपास होता है, मतलब इसका जो ब्रिक्स रेशियो होता है TSS होता है वो 31 डिग्री ब्रिक्स के आसपास होता है। क्रॉस बिटवीन एनोना एटेमोया इंटू एनोना स्क्योमोसा, और ये एनोना एटेमोया और एनोना स्क्योमोसा का क्रॉस है। एटेमोया कौन सा होता है, हनुमान फल, और सीताफल का क्रॉस है। अफ्रीकन प्राइड चेरीमोया इंटू कस्टर्ड एप्पल, ठीक है, अब एक और वैरायटी है इसकी, अफ्रीकन प्राइड चेरीमोया और कस्टर्ड एप्पल का क्रॉस है वो। फिर है क्लाइमेट, कस्टर्ड एप्पल रिक्वायर ए हॉट ड्राई क्लाइमेट ड्यूरिंग फ्लोवरिंग एंड हाई ह्यूमिडिटी एट द टाइम ऑफ फ्रूट सेट। कस्टर्ड एप्पल है उसे फ्लोवरिंग के समय, पुष्पन के समय गर्म और शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसमें आर्द्रता कम से कम हो, नमी कम से कम फ्लोवरिंग के समय, एंड हाई ह्यूमिडिटी एट द टाइम ऑफ फ्रूट सेट, और जब फल सेट हो रहा होता है, पोलिनेशन होता है, उस समय ज़्यादा ह्यूमिडिटी आर्द्रता की आवश्यकता होती है। एनुअल रेनफॉल 50 से 75 सेंटीमीटर, जो एनुअल रेनफॉल है वार्षिक वर्षा इसके लिए आवश्यकता होती है वो 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। टेम्परेचर बिटवीन 5 to 8 डिग्री इज बेस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिस्टिंक्टिव टेस्ट ऑफ कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल का जो एक विशिष्ट उसका स्वाद है उसके लिए 5 से 8 डिग्री सेल्सियस का तापमान डेवलपमेंट के समय होना चाहिए, विकास के समय 5 से 8 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए, मतलब उस समय थोड़ा कम तापमान होना चाहिए जिससे उसे एक अच्छा स्वाद बन सके, विकसित हो सके। चेरी मोया डज नॉट टॉलरेंट हाई एज वेल एज चिलिंग लो टेम्परेचर बट इज मोर टॉलरेंट टू फॉरस्ट देन कस्टर्ड एप्पल। जो चेरी मोया होता है जिसको अपने कह रहे थे कि जो एनोनेसी फैमिली है उसका सबसे अच्छा फल है, तो चेरी मोया को ना तो वो ज़्यादा तापमान को सहन कर सकता है और ना ही वो चिलिंग तापमान जो लो तापमान होता है, ठीक है, उसको सहन कर सकता है, जहाँ पे ये मान लो कि कोई चीज़ बिल्कुल ठंडी हो जाती है, मान लो कि 1 डिग्री के आसपास, या फिर वैसे तो चिलिंग टेम्परेचर 5 डिग्री से कम होता है तो इसके लिए हानिकारक है,
बट इज मोर टॉलरेंट टू फ्रॉस्ट देन कस्टर्ड एप्पल, जबकि ये जो कस्टर्ड एप्पल है उसकी तुलना में जो पाला होता है उसको ज्यादा सहन कर सकता है। मतलब ये ठंडे इलाकों में कल्टीवेट होया किया जा सकता है चेरी मोया को, क्योंकि ये पाले को सहन कर सकता है, जबकि कस्टर्ड एप्पल नहीं कर सकता, कम कर सकता है। टेम्परेचर बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस आर आइडियल फॉर इट्स ग्रोथ एंड फ्रूटिंग। जो चेरी मोया है इसके लिए जो तापमान चाहिए वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसकी वृद्धि के लिए और फलन के लिए बेस्ट रहता है। फिर है सोयल, लोमी सोयल विद गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, गुड ड्रेनेज एंड पीएच बिटवीन 5.5 to 6.5 आर बेस्ट सुटेड। लोमी सोयल यानी कि जो दोमट मिट्टी है जिसकी अच्छी जल धारण क्षमता हो, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो, ठीक है, जल धारण क्षमता हो, मतलब उसमें पानी को काफ़ी टाइम तक वो होल्ड करके रख सके, और इसके साथ ही गुड ड्रेनेज, अच्छी उसमें निकासी की, जल निकासी की व्यवस्था हो, और उसका जो पीएच है वो 5.5 से लेकर 6.5 जो होता है वो इसकी कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सूट करता है, मतलब इसकी कल्टीवेशन के लिए उत्तम रहता है पीएच, ठीक है, 5.5 से 6.5 के बीच में। इसके बाद है प्रोपोगेशन, प्रवर्धन। प्रोपोगेशन इज डन बाय सीड एज वेल एज वेजिटेटिव मेथड। जो इसका प्रवर्धन है वो बीज से और कुछ जो कायिक विधियां हैं, ठीक है, वेजिटेटिव मेथड्स हैं, उनसे भी किया जाता है। द मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड मेथड इज बडिंग एंड इनार्चिंग। जो कॉमनली अडॉप्ट मेथड है जिससे इसको प्रवर्धित किया जाता है वो बडिंग, एक तो कलिकायन जिसको कहते हैं चश्मा चढ़ाना, और एक इनार्चिंग। इनार्चिंग समझ गए होगे, इनार्चिंग होता है दो, जैसे दो पौधों को एक साथ ला के उसको अटैच करके उसके बाद बांध दिया जाता है, जब यूनियन कंप्लीट हो जाती है जो रूट स्टॉक होता है उसको ऊपर से और जो शायन होता है उसको नीचे से काट देते हैं, ठीक है, अटैच्ड मेथड जिसको बोलते हैं इनार्चिंग। दोनों मेथड इसके लिए सुटेबल रहते हैं। बडिंग इज प्रेफर्ड फ्रॉम जून टू अगस्त और विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून। जो बडिंग परफॉर्म की जाती है, जब बडिंग का जो पौधे तैयार करते हैं वो जून से लेकर अगस्त तक, या फिर जब तक मानसून चलता रहता है तब तक इसमें बडिंग की जा सकती है। ग्राफ्टिंग इज मोस्टली डन इन जून टू जुलाई। जो ग्राफ्टिंग है, ठीक है, यानी कि जैसे कोई चिप विप ग्राफ्टिंग है या कोई भी ग्राफ्टिंग का मेथड है, इसमें अगर यूज किया जा रहा है वो जून से लेकर जुलाई तक की जाती है इसमें, ठीक है, ज़्यादातर मानसून का जो टाइम रहता है बडिंग ग्राफ्टिंग के लिए सुटेबल रहता है। प्लांटिंग पिट ऑफ 60 क्यूबिक सेंटीमीटर साइज आर डग एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 to 5 मीटर। जो खड्डे हैं वो 4 से 5 मीटर की दूरी पर 60 क्यूबिक सेंटीमीटर साइज के आकार के खोदे जाते हैं। मतलब इसमें जो स्पेसिंग रखी जाती है पौधे से पौधे की, वो 4 × 4 रखी जा सकती है, 4 × 5 रखी जा सकती है, ठीक है, प्लांट टू प्लांट और रो टू रो जो डिस्टेंस है, और 5 × 5 भी रखी जा सकती है, ठीक है, आप 4 से लेकर 5 तक कितनी भी रखी जा सकती है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं होता एनोना का, थोड़े छोटे पौधे होते हैं, इसलिए इसमें जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वो कम रखा जाता है। और खड्डे का जो साइज रहता है वो 60 क्यूबिक सेंटीमीटर साइज का होता है, मतलब 60 लंबा, 60 चौड़ा और 60 कह लो गहरा, ठीक है। प्लांटिंग इज यूजली डन ड्यूरिंग द रेनी सीजन फ्रॉम जुलाई टू मिड सितंबर। जो प्लांटिंग है वो सामान्यतः रेनी सीजन के अंदर करते हैं, ठीक है, रेनी सीजन जब बरसात स्टार्ट हो रखी होती है, जुलाई से लेकर मध्य सितंबर तक। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, वैसे तो इसमें ज़्यादा ट्रेनिंग को या प्रूनिंग को ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया जाता, अवॉइड किया जाता है, पर फिर भी इन द इनिशियल स्टेज द प्लांट इज ट्रेन्ड बाय सिंगल स्टेम सिस्टम, अदरवाइज नो ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। जो इनिशियल स्टेज होती है पौधे की, उस समय पौधे को सिंगल स्टेम जो सिस्टम है ट्रेनिंग का, एकल तना विधि कह लो, एक ही सिंगल तना रखना नीचे से, उस विधि से इसको ट्रेन किया जाता है, मतलब उसको सांधा जाता है, उसमें नीचे मतलब जो भी शाखाएं निकलती हैं उसको हटाते रहते हैं, नहीं तो इसको ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, कोई खास जरूरत नहीं है कि भाई आप इसमें ट्रेनिंग करनी जरूरी है। शुरुआत में आप उसको एक सिंगल स्टेम रखो। प्रूनिंग इज डन इन फरवरी मार्च विद द ऑनसेट ऑफ न्यू ग्रोथ। प्रूनिंग
प्रूनिंग जो है जो कांट शांट की जाती है, वैसे ज्यादातर कांट शांट इसमें कोई डिजीज या फिर कोई ड्राई या फिर कोई क्रिस क्रॉस ब्रांच है उसी को काटा जाता है, अदरवाइज इसमें प्रूनिंग भी नहीं की जाती। और जो प्रूनिंग का समय होता है जब नई ग्रोथ आ रही होती है फरवरी मार्च के अंदर, उस समय करते हैं। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जो इसमें खाद और उर्वरक हैं, इसमें एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश 250, 125 और 125 ग्राम पर ट्री पर ईयर दिया जाता है। मतलब 250 ग्राम नाइट्रोजन, 125 ग्राम फास्फोरस, 125 ग्राम पोटाश प्रति पौधा दिया जाता है। दी शुड बी गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन। ये सारे के सारे जो फर्टिलाइजर हैं इन्हें जब रेनी सीजन की शुरुआत होती है उस समय दिए जाते हैं, मतलब रेनी सीजन से प्री मानसून दिए जाते हैं ये सारे के सारे फर्टिलाइजर। इरिगेशन, कस्टर्ड एप्पल इज जनरली ग्रोन एज ए रेनफेड क्रॉप। जो कस्टर्ड एप्पल है इसको सामान्यतः एक वर्षा आधारित कह लो, ठीक है, वर्षा आधारित फसल के रूप में उगाया जाता है। मतलब इसमें अलग से सिंचाई बहुत ही कम की जाती है, कई जगहों पे तो सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं है, इसलिए इसमें रखते ही नहीं है वो व्यवस्था कि भाई सिंचाई करनी पड़े, तो इसको रेनफीड क्रॉप के रूप में उगाया जाता है। टू और थ्री इरीगेशन एट द टाइम ऑफ फ्लोवरिंग एंड फ्रूट सेट इन समर। समर के अंदर मतलब गर्मियों के अंदर 2 से 3 सिंचाइयाँ, जब फ्लोवरिंग हो रही होती है, पुष्पन हो रहा होता है, और जब फ्रूट सेट हो रहे होते हैं, फल लगने स्टार्ट होते हैं, उस समय 2 से 3 सिंचाइयाँ। एंड वन इरीगेशन एट मैच्योरिटी आफ्टर द रेनी सीजन इम्प्रूव फ्रूट क्वालिटी एंड यील्ड। एक इरीगेशन, एक सिंचाई जब मैच्योरिटी हो रही होती है, जब रेनी सीजन कंप्लीट हो चुका होता है, उस समय, जो कि फल की क्वालिटी, गुणवत्ता और उसकी उपज को बढ़ा देता है। मतलब उस समय अगर अपने करते हैं तो उसकी क्वालिटी भी फल की बढ़ जाएगी और उपज भी बढ़ जाएगी आपकी। इसके अलावा इंटरकल्चर एंड इंटरक्रॉपिंग, ठीक है, इंटरकल्चर जो उसमें अंतर शस्य क्रियाएं की जाती हैं और इंटरक्रॉपिंग जो उसमें फसलें उगाई जाती हैं। कंट्रोलिंग वीड्स इज असेंशियल फॉर गुड प्लांट हेल्थ। जो वीड्स हैं उनको कंट्रोल करना पौधे की अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। शैलो होइंग ड्यूरिंग अगस्त सितंबर इनहिबिट वीड ग्रोथ। जो शैलो होइंग अगस्त सितंबर के अंदर करना, मतलब उथली गुड़ाई करना सितंबर अगस्त के अंदर, वो वीड की जो वृद्धि होती है उसको इनहिबिट कर देता है, उसको दबा देता है, ठीक है, उसकी वृद्धि नहीं होने देता, खरपतवार नहीं होने देता। इसकी जगह आप हैरोइंग भी कह सकते हो कि हैरोइंग करना अगस्त सितंबर के अंदर वो वीड की ग्रोथ को कम कर देता है। लेग्यूम क्रॉप्स कैन बी ग्रोन एज ए इंटरक्रॉप टिल द पीरियड ऑफ फुल डेवलपमेंट ऑफ द कनोपी ऑफ द प्लांट। जब पौधे का जो छत्रक होता है, जहाँ उसकी जो छतरी बनती है ऊपर वाला, जहाँ हम कह लो कि पौधा पूरी अपनी ग्रोथ करता है ऊपर से, जब तक वो पूरी तरह से अपना कवर नहीं कर लेता, उस टाइम तक, उससे पहले के टाइम तक आप उसमें कोई भी जो फली वाली फसलें हैं या लेग्यूम है उन फसलों को उगा सकते हो, जैसे चवला है, ठीक है, ऐसी फसलें आप उसमें कल्टीवेट कर सकते हो। फ्लोवरिंग एंड फ्रूटिंग, एक कस्टर्ड एप्पल ट्री में प्रोड्यूस 1500 to 2000 फ्लोवर्स बट हार्डली 2 to 3% फ्रूट सेट। जो कस्टर्ड एप्पल होता है ये लगभग 1500 से 2000 फूल पैदा कर सकता है, मतलब लगभग फूल लगते हैं पौधे के ऊपर, 1500 से लेकर 2000 फूल लग जाते हैं, पर उसमें से केवल 2 से 3% जो फल फूल होते हैं उन्हीं पे फल सेट होता है, ठीक है, वो फल में कन्वर्ट होते हैं। कहने का मतलब 1500 से 2000 फल लगे, सॉरी फूल लगे, और फूल सारे के सारे जड़ जाते हैं और 2 से 3% पे ही फ्रूट सेट होता है। दिस रिड्यूस्ड फ्रूट सेट इज ड्यू टू द लैक ऑफ पोलिनेशन सॉरी पोलिनेटिंग इंसेक्ट, डायोसियस, हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी एट द टाइम ऑफ फ्लोवरिंग। जो ये कारण है इनका कि फ्रूट सेट रिड्यूस होना, कम होने का कारण वो हो सकता है, एक तो पोलिनेटिंग इंसेक्ट की कमी होना, जो पोलिनेशन पोलिनेटिंग करते हैं, पोलिनेशन एजेंट्स होते हैं, उनकी कमी होना, ठीक है, या फिर जो डायोसियस नेचर होता है, डायोसियस मतलब मेल अलग फीमेल अलग, कभी कभी उसके कारण भी हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा तापमान होना फ्लोवरिंग के समय, या ह्यूमिडिटी की कमी होना फ्लोवरिंग के समय, इसके कारण भी कई बार फ्रूट सेट कम होता है। फिर है हार्वेस्टिंग।
सीडलिंग प्लांट स्टार्ट फ्रूटिंग इन 4 to 5 ईयर। जो सीडलिंग या बीजू पौधा होता है, बीज से तैयार किया हुआ पौधा होता है, वो फलन में 4 से 5 साल बाद आता है, जबकि ग्राफ्टेड और बडेड प्लांट्स गिव फ्रूट इन 3 to 4 ईयर्स। जबकि जो आपका ग्राफ्टेड पौधा होता है वो 3 से 4 साल में फल देना स्टार्ट कर देता है। कस्टर्ड एप्पल इज ए सीजनल फ्रूट एंड इज प्लक्ड एट द स्टेज ऑफ फुल मैच्योरिटी व्हेन द फ्रूट स्टार्ट टर्निंग फ्रॉम ग्रीन टू क्रीमी येलो इन कलर। जो कस्टर्ड एप्पल है वो एक मौसमी फल है और इसको हमेशा जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है फल, तब पिक किया जाता है, तोड़ा जाता है, और जब उसका कलर जो ग्रीन से एक क्रीमी येलो कलर का स्टार्ट हो जाता है, मतलब अंदर से थोड़ा थोड़ा वो क्रीमी सा दिखाई देने लग जाता है या फिर येलो कलर का दिखाई देने लग जाता है, उसके जो ऊपर वाले आपको दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है, खांचे सी दिखाई देती हैं, वो अंदर से वाइट क्रीमी कलर की हो जाती हैं दिखने में, तब उसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। यील्ड है इसकी 50 to 100 फ्रूट पर ट्री, लगभग 50 से 100 फल पर पौधा इसकी उपज है। इंसेक्ट पेस्ट ऑफ लीची, वैसे मैंने पहले भी बताया था इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट फसल नहीं है, ऐसे नहीं कि इसकी आपको कल्टीवेशन ही पूछी जाए सीधी की सीधी, इसमें से बहुत ही आपको किताबों के अंदर में बहुत ही कम मैटर मिलेगा पढ़ने के लिए। हाँ, अगर कोई चीज़ मुझे मिलती है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको अपनी जो मेरी वेबसाइट है हॉर्टिकल्चर गुरु जी, जो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिस्टेड होती है, डाली हुई रहती है, उस पर चेक करते रहना, उसमें मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मिलते हैं मुझे मैं ऐड। इंसेक्ट पेस्ट ऑफ लीची, मिली बग, पहला जो इंसेक्ट है मिली बग, आपने सबने देखा हुआ होगा, मिली बग एक वाइट कलर का छोटा सा इंसेक्ट होता है, ज़्यादातर ये जो आंट्स रहती हैं इनके द्वारा ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, और इस एक हनीड्यू जैसा लेटेक्स सिक्रेट करता है, उस जगह पे छोड़ देता है, चिपचिपा सा हो जाता है पौधे की वो शाखाएं, ठीक है। और ज़्यादातर जो इसका कंट्रोल किया जाता है क्लोरोपाइरीफॉस इनका छिड़काव करके किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है फेरेसिया विरगाटा। इसके अलावा स्केल इंसेक्ट है सेरोफेस्टेस फ्लोरिडेंसिस। जो स्केल इंसेक्ट है ज़्यादातर इसका जो आपको अटैक पत्तियों के ऊपर देखने को मिलेगा, पत्तियों के ऊपर आपको एक कह लो कि अंदर से उसके जो उत्तक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनको वो खा जाता है, और उसके आपको ऊपर लाइनें सी दिखाई देंगी वाइट वाइट कलर की स्केल इंसेक्ट के कारण। इसके अलावा एफिड है, एफिड आपको ज़्यादातर जो है जो पत्तियाँ होती हैं उनके ऊपर से रस या फिर पौधे के जो कोमल भाग होते हैं वहाँ से वो रस चूस कर, जो सैप होता है उसको चूस कर उसको नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा फूड बोरिंग कैटरपिलर है जो फलों को छिद्रित कर देता है, जहाँ कह लो कि फलों के अंदर छेद कर देता है। हेट्रोग्राफिक्स बेंगालेला इसका जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है। फिर जो डिजीज़ है इसके अंदर इम्पोर्टेंट डिजीज़, पहली है लीफ स्पॉट सर्कोस्पोरा एनोनी, पत्तियों के ऊपर धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है, ये ज़्यादातर फंगल है, फंगस के कारण फैलती है। इसके अलावा रूट रॉट है डिप्लोडिया नेंटालेंसिस, ठीक है, जो जड़ें हैं वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं। थैंक यू।